फटाफट रिवीजन सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 12वीं कक्षा की भूगोल विषय का हम लोग यहाँ पर रिवीजन सीरीज चालू किए हुए हैं। तो रिवीजन सीरीज में हम लोग जो किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो इसका पहला अध्याय पूरा हो चुका है। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के अंतर्गत इसका पहला लेक्चर जो हमारा था वितरण और घनत्व के ऊपर था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज उसी को हम इसी चैप्टर को सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम लोग वृद्धि का अध्ययन करेंगे, प्रवास का अध्ययन करेंगे और साथ में कुछ मॉडल्स हैं जनसंख्या वृद्धि के, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस फटाफट सीरीज कोर्स को शुरू करें। उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और साथ में वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो अब तक हम लोगों ने जनसंख्या का विश्व वितरण देखा था और घनत्व देखा था और वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे उनका भी अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन करेंगे। देखिए बिल्कुल प्रश्न की शैली में हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि आपको यहाँ पर एक लाइन में ही लिखना है, थोड़ा सा याद भी कर लेना है कि किसी क्षेत्र में मान लेते हैं भारत एक क्षेत्र है उसमें किसी एक निश्चित समय, जैसे भारत में 10 वर्ष में जनगणना होती है तो 2001 से 2011 के समय एक निश्चित अवधि है, इसके दौरान जो यहाँ के बसे हुए लोग हैं उसमें उसकी संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि या तो धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या जुड़ जाती है और ऋणात्मक परिवर्तन जो होता है उसमें जनसंख्या में कमी आती है। हालांकि कमी वाली संकल्पना विश्व में बहुत कम देखने को मिलती है, परिवर्तन धनात्मक ही ज़्यादातर दिखाई देता है। देखिए धनात्मक परिवर्तन कैसे होता है, जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी पैदा लेने वालों की संख्या मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक होती है तो जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है। और इसके साथ साथ में या तो उस क्षेत्र में लोगों का अप्रवास हुआ हो, लोग अप्रवास मतलब आओ आ से आना, यानी आ करके उस क्षेत्र में बसे हुए हों, माइग्रेशन हुआ हो, इमिग्रेशन हुआ हो, हम लोग यहाँ पर देखेंगे बाद में अप्रवास इमिग्रेशन, इसको अभी आगे अध्ययन करेंगे। तो लोगों का वहाँ पर अप्रवास हुआ हो, आवास हुआ हो, लोग आकर बसे हुए हों तो धनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। और ऋणात्मक परिवर्तन क्या है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, यानी पैदा होने वाले लोगों से मरने वालों की संख्या अधिक हो तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, परिवर्तन ऋणात्मक होगा। या फिर उत्प्रवास हुआ हो, उस क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र को चले गए हों, उस क्षेत्र को खाली कर दिए हों तो उसको उत्प्रवास कहते हों, तो ऐसे स्थिति में भी ऋणात्मक परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उदाहरण, जैसे कि 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ थी और 2011 की जनगणना में 121 करोड़ हो गई लगभग। जो बढ़ोतरी हुई है, जो वृद्धि हुई है, लगभग 18.15 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये 18.15 करोड़ जनसंख्या की क्या है, ये धनात्मक परिवर्तन है, यही वृद्धि है। यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि हमने देख लिया, अब इसी में ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट जो है ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहते हैं। और प्राकृतिक वृद्धि यानी नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, जैसा कि हमने देखा। तो इसमें खाली जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को देखते हैं, लिखते हैं। और वास्तविक वृद्धि जो एक्चुअल ग्रोथ होती है, यानी कि किसी क्षेत्र में
ये तो प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक वृद्धि, यानी जन्म दर हो रहा है, मृत्यु दर हो रहा है, इसमें प्रकृति का वश है। लेकिन अगर इसी में प्रवास को भी जोड़ दें, ये जो संख्या है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म माइनस मृत्यु, उसके बाद में अगर इसमें प्रवास भी जोड़ दें, कुछ लोग वहाँ आए भी होंगे, कुछ लोग वहाँ से गए भी होंगे, यानी आए होंगे तो अप्रवास हुआ होगा, गए होंगे तो उत्प्रवास हुआ होगा, तो उन दोनों को घटा करके प्रवास जो होता है उसको भी जोड़ दें, तो यहाँ पर जनसंख्या की ये वास्तविक वृद्धि दिखाएगी। तो ये शब्दावलियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कैसे किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये सब हूबहू आप ऐसे याद कर लीजिए, इसको ऐसे ही लिखना है। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, हमने देखा जनसंख्या परिवर्तन दो तरीके से होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अब इसके तीन घटक हैं परिवर्तन के, कौन कौन से ये बिल्कुल याद कर लीजिए, तीन घटक कौन कौन से हैं समझने की बात है, जन्म दर और मृत्यु दर, जो कि प्राकृतिक घटक है, जन्म दर और मृत्यु दर ये परिवर्तन के प्राकृतिक घटक हैं, यानी प्रजननता, फर्टिलिटी, मर्त्यता यानी मोर्टिलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, और एक ये जो है नेचुरल है, और तीसरा इसमें प्रवास माइग्रेशन, अभी हमने देखा भी है। तो जब ये तीनों जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, इनके घटक हैं। अब जन्म दर क्या है, अशोधित जन्म दर, इसको क्रूड बर्थ रेट कहते हैं, CBR कहते हैं, क्या है, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। तो जन्म दर अशोधित, अशोधित मतलब क्रूड, बिल्कुल उसमें सब सारे जो है जुड़े हुए होते हैं, अशोधित बिल्कुल टोटल। तो 1000 स्त्रियों के पीछे जो बच्चे जन्म दिए गए हैं उनमें जीवित बच्चों की संख्या जोड़ी जाती है यहाँ पर अशोधित जन्म दर में। और अशोधित मृत्यु दर क्या है, CMR, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, यानी 1000 जनसंख्या पर कितने लोग मर रहे हैं उनकी गिनती की जाएगी, तो उसे कहते हैं मृत्यु दर, CMR, अशोधित मृत्यु दर। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, जन्म दर और मृत्यु दर। तीसरा फैक्टर हमारा है प्रवास। प्रवास देखिए, प्रवास के दो केंद्र होते हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए जो है यहाँ पर हमने उद्गम केंद्र माना है और बी गंतव्य केंद्र माना है। उद्गम केंद्र यानी व्यक्ति किसी कारण से यहाँ से हट उठ करके अपना बोरिया बिस्तर बांध करके इस स्थान पर आया होगा, तो जिस स्थान से वो चला होगा उस स्थान को हम कहते हैं उद्गम स्थान या उद्गम केंद्र, और जिस स्थान पर वो गया होगा उस स्थान को हम कहते हैं गंतव्य स्थान। और ऐसे व्यक्ति जो जिस स्थान से जाते हैं उसको उत्प्रवासी कहते हैं या उसे उत्प्रवास कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन, EMIGRATION, इमिग्रेशन। और जो व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंच गया है उस स्थान पर पहुंचने वाली प्रक्रिया को अप्रवास कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं, IMMI, इमिग्रेशन, या फिर उस व्यक्ति को जो यहाँ आकर बसा हुआ है उसको कहते हैं अप्रवासी। आपने अक्सर सुना होगा भारत के कुछ जो है NRI दूसरे देशों में रहते हैं जिनको वहाँ के अप्रवासी के रूप में जाना जाता है, यानी भारत गंतव्य देश है, यहाँ से जा करके अमेरिका में बस गए तो वहाँ के वो क्या हो गए, अप्रवासी हो गए, NRI हो गए। तो इस तरीके से ये जो है इसके दो मूल स्रोत हैं, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। अब देखिए प्रवास मोटा मोटी हम चार रूप में देख सकते हैं, वैसे तो प्रवास के कई रूप हैं लेकिन यहाँ पर इंटर स्तर में सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है। प्रवास गाँव से गाँव हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, और नगर से गांव हो सकता है। मोटा मोटी चार रूप में प्रवास हो सकता है देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी होता है, छोटा प्रवास भी होता है, बड़ा प्रवास भी होता है, महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय प्रवास, बहुत प्रकार हैं उसके, लेकिन वो सब हमें यहाँ सीखने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए गाँव से गाँव प्रवास ज़्यादातर महिलाओं का होता है, शादी के बाद महिलाएँ गाँव एक गाँव से दूसरे गाँव को प्रवास कर जाती हैं मोस्टली, मतलब इसमें जो है मैरिज मुख्य कारक हो सकता है। और नगर से नगर, नगर से नगर, छोटे नगर से बड़े नगर का प्रवास हो रहा है, आर्थिक कारण हो सकता है। और गांव से नगर तो बहुत बड़ा आर्थिक कारण है, रोजगार की खोज में लोग गांव से नगर की तरफ जाते हैं। और नगर से गांव, नगर से गांव वैसे बहुत कम प्रवास देखने को मिलता है, लेकिन बहुत लोग जो रिटायर हो गए हैं अपने वापस गृह जनपद या गांव आना चाहते हैं तो नगर से गांव ऐसे प्रवास देखने को मिलते हैं। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके दो कारक हो सकते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष
यानी पुश फैक्टर, ढकेलने वाला कारक, यहाँ से भगाता है, धक्का देता है कि हटवे चल यहाँ से जा, और अपकर्ष कारक खींचता है, पुल कारक, पुल फैक्टर खींचता है। इसीलिए यहाँ पर हमने दो चिन्ह बनाए हैं, प्रतिकर्ष कारक में ऋण का चिन्ह बनाया है और अपकर्ष कारक में धन का चिन्ह बनाया है। ऋण का मतलब घटाओ, कम करो, भगाओ, नेगेटिव है वो। ऐसी परिस्थितियाँ जो नेगेटिव इन्वायरमेंट को जन्म देती हैं तो वहाँ से जनसंख्या पलायन करने को विवश हो जाती है, तो ऐसे कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। और अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं, जो जनसंख्या को अपनी तरफ खींचने का कार्य करते हैं, वो अपकर्ष कारक होते हैं। प्रतिकर्ष कारक में ऐसे बहुत कारक हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी है, रहन सहन का न्यून स्तर हो सकता है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है क्षेत्र का, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है, महामारी आपदा जैसी तमाम विकट परिस्थितियां हो सकती हैं, राजनीतिक कारक हो सकता है। राजनीतिक कारक एक बहुत बड़ा कारक, आपने देखा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ किस तरीके से, 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो दो मुल्कों में बट गया, तो बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ था यहाँ पर, तो राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं प्रतिकर्ष कारकों में। और अपकर्ष कारक रोजगार के अच्छे अवसर हो सकते हैं, रहन सहन का ऊंचा स्तर, गांव से शहर की तरफ लोगों का उच्च रहन सहन देखने को मिलता है, इसलिए शहर की तरफ जाते हैं, शांति के लिए खोज में लोग चले जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, पठार, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग चले जाते हैं स्वास्थ्य वर्धन के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर क्षेत्र बढ़िया है तो ऐसे क्षेत्रों में लोग प्रवास कर जाते हैं, जैसे बॉर्डर वाले क्षेत्र से लोगों का पलायन देश के आंतरिक भागों की तरफ सुरक्षा की दृष्टि से ही होता है। अनुकूल जलवायु, जलवायु अच्छी है, जैसे मान लेते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर अवलांच जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, वहाँ से लोग पलायन करके मैदानी क्षेत्रों की तरफ आना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे अपकर्ष कारक हैं जो जनसंख्या को अपनी तरफ आने को विवश करती हैं, खींचती हैं। तो अब हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ देखेंगे, विश्व जनसंख्या की वृद्धि की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेंड्स क्या है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए भूगोल में डायग्राम्स का बहुत महत्व है, अगर ये डायग्राम्स आप अपने लिखित पेपर में बना देते हैं तो पूरा का पूरा एनालिसिस सिर्फ इस डायग्राम से हो जाता है और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व जनसंख्या की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए, तो ये समझ लीजिए और इसी को बना दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बनाने की आवश्यकता है, यहीं पर नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल दो रेखाएं ली हैं। हॉरिजेंटल पे हमने समय लिया है और वर्टिकल पे हमने जनसंख्या अरब में ली है, विश्व की जनसंख्या। और ये 2011 जो अब तक के पॉपुलेशन के आंकड़े हमको प्राप्त हैं, इसको वर्तमान समय मान सकते हैं, और आज से 12,000 वर्ष पूर्व जो विश्व की जनसंख्या थी 50 लाख थी, उस समय कृषि का विकास हो चुका था, व्यक्ति कृषि सीख गया था, तो 12,000 वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी की जनसंख्या 50 लाख थी लगभग। और इसके बाद में ईसा का जन्म होता है, काफ़ी समय बाद ईसा के जन्म के समय विश्व की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी, और ईसा के जन्म के बाद, ये ईसा का जन्म काल विभाजन माना जाता है ईसाइयों के कैलेंडर में, ईसा से पूर्व ईसा के बाद का समय। तो इसके बाद 1700 AD एक लंबा समय, 1700 AD 1700 ईस्वी में, इस समय 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में खोजों का युग प्रारंभ हो गया था, औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू हो गई थी, तो इसके कारण विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। कारण क्या था, खाद्यान्न अधिक उत्पादन होने लगा था खाद्यान्नों का, और औद्योगिक क्रांतियों के कारण लोगों का रहन सहन अच्छा होने लगा था, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ने लगी थी, इसलिए जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी। अब 1850 यानी लगभग 150 वर्षों में ही ये जनसंख्या दुगनी हो गई, 50 करोड़ से 1 अरब हो गई, और अगले लगभग 80-90 वर्षों में यानी 100 वर्ष के आसपास ये दुगनी होकर के 2 अरब हो गई, और इसके बाद में बहुत कम समय में 4 अरब हो गई, 1975 में जनसंख्या बढ़कर के 4 अरब हो गई, और वर्तमान समय यानी 2011 आज का समय विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब है। और इसके बाद हमने 2025 का प्रोजेक्शन लिया है, देखिए ट्रेंड को देख करके, ट्रेंड का मतलब हम इस प्रवृत्ति को देखते हुए आगे का प्रोजेक्शन कर सकते हैं, आगे का प्रक्षेपण कर सकते हैं, तो हमने इसी ट्रेंड को देखते हुए आगे प्रक्षेपण किया है। तो 2025 तक जो विश्व की जनसंख्या होगी वो लगभग 8 अरब के आसपास होगी, ऐसा प्रक्षेपित आंकड़े बताते हैं।
तो ये इधर वाला बॉक्स जो है ये क्या है, प्रवृत्ति, भविष्य की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब 2025 तक होने वाली है। तो इस तरीके से ये एक चार्ट के माध्यम से हमने जो है प्रवृत्ति को समझा। अब इसमें कुछ मोटा मोटी चीज़ समझ लेते हैं। जनसंख्या तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे कई कारण हैं। स्वास्थ्य सेवाएँ बढ़ती जा रही विश्व में, और इसके अलावा जो है मृत्यु दर कम होती जा रही है। जन्म दर तेज़ी से, कुछ महाद्वीप हैं जहाँ पर जन्म दर अभी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। यही सब कारण हैं कि जनसंख्या पृथ्वी की तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसे हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब होने में कितने वर्ष का समय लगता है, ये हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमने एक जो है जनसंख्या का एक लाइन खींचा है, जो बेस हमने 1830 लिया है। 1830 या 1850 के आसपास विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, और ये अगले 100 वर्षों में 1930 में इसकी जनसंख्या हो गई 2 अरब, इधर अरब में लिखा जनसंख्या। और 1960 यानी 30 वर्ष में ही जनसंख्या बढ़कर 3 अरब हो गई। 1975 यानी 15 वर्ष लगे जनसंख्या को बढ़ने में, 4 अरब होने में। और अगले 12 वर्ष में ही 1987 में 5 अरब की जनसंख्या हो गई। फिर अगले 12 वर्ष लगे 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। फिर अगले 12 वर्ष लगे 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई। अब फिर वही प्रोजेक्शन 2025 का ये प्रोजेक्शन है, जिसमें विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब हो जाएगी, और अब समय लगेगा 14 वर्ष का करीब। ये प्रक्षेपण है। तो देखिए, ये ट्रेंड को देखते हुए हमने यहाँ प्रक्षेपण किया, जो अब जनसंख्या की बढ़ने की जो समय है, अवधि है, वो उसमें धीरे धीरे अब एक ड्यूरेशन बढ़ रहा है। कारण क्या है कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब ज़्यादातर देश पॉपुलेशन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए जो जन्म दर है उस पर बहुत सारा कंट्रोल किया गया है। तो इसीलिए जनसंख्या अब निरंतर जो है घटते हुए दर से बढ़ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न आने की संभावना है, उसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि विश्व की जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो आप ये चार्ट बना सकते हो, ये बना सकते हो, इसको लिख सकते हो आप। अब हम लोग जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत पढ़ेंगे। जनांकिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको दिया था थॉमसन महोदय और नोटेंस्टीन महोदय। यहाँ पर प्रश्न आएगा, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सर थॉमसन महोदय और नोटेंस्टीन महोदय ने प्रतिपादित किया था। अब ये है क्या जनांकिकी संक्रमण? देखिए, नाम से ही मतलब है। जनांकिकी मतलब यहाँ पर जनसंख्या हो गया, और संक्रमण यानी संक्रमण का मतलब होता है दो जनसंख्या पीरियड्स के बीच का समय संक्रमण कहलाता है। तो ये अब वो जब दो इसमें विभाजन होगा, जब जनसंख्या समाज के बीच में, तो विभाजन को अवस्थाओं के रूप में पढ़ेंगे। यानी अवस्थाओं के रूप में जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने वाला ये मॉडल है, अवस्थाओं के रूप में। अब अवस्थाएं कैसी हो सकती हैं? जैसे कृषि अवस्था से औद्योगिक अथवा नगरीय अवस्था की ओर समाज का प्रवेश। यहाँ पर जनसंख्या किस जनांकिकी का मतलब हो गया पूरी पूरी जनसंख्या समाज का, पूरी पूरी जनसंख्या समाज का। अब जनसंख्या समाज में सब तरीके के लोग जो है लीड करते हैं, डिनोट करते हैं। तो कृषि अवस्था से औद्योगिक नगरीय या वर्तमान अवस्था तक समाज का जो है प्रवेश ही जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के तहत दर्शाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक इसको बहुत ही शानदार एक जो है डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। इधर हम एक हॉरिजॉन्टल कॉलम में टाइम समय देख सकते हैं, वर्टिकल कॉलम में जन्म दर और मृत्यु दर को लिया गया है, उच्च अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, तीन अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक अवस्था आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लाल वाली लाइन है ये मृत्यु दर को इंगित करती है, और जो हरी वाली लाइन है ये जन्म दर को इंगित करती है। अब हमने बताया था जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि। अब यहाँ आप देख सकते हो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान गति से चल रहे हैं। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में उच्च उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो प्रथम अवस्था हमारी इस किस विशेषताओं से पूरित है? यहाँ पर उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। देख सकते हैं जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, और यहाँ पर कृषि कार्य की अधिकता पाई जाती है। ये समाज अभी कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत निम्न है,
यानी जीने के प्रति लोगों की जो आशा है वो बहुत कम है, निम्न जीवन प्रत्याशा है। कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी विकसित नहीं है, शिक्षा का स्तर निम्न है, इसीलिए इनका प्रौद्योगिक ज्ञान भी निम्न है। ऐसे पढ़ते हैं एक दूसरे से जोड़ते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, शिक्षा का स्तर निम्न है तो निम्न प्रौद्योगिक ज्ञान है, निम्न प्रौद्योगिक ज्ञान होगा तो फिर विकास भी इनका कम होगा। तो ये प्रथम अवस्था दयनीय अवस्था है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश लगभग इसी अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में? प्रथम अवस्था में, 200 वर्ष पहले आज से। और जो दूसरी अवस्था है हमारी द्वितीय अवस्था, ये देख सकते हो इसमें बड़ा सा पेट दिखाया गया है, बड़ा सा पेट, ये पेट वाला भाग है, ये आप सर समझ सकते हो, ये पेट है, ये पैर है, ऐसे समझ सकते हो मानो कि। अब इसमें जो है, वैसे ये इसमें इस अवस्था में बांग्लादेश, अफ्रीका जैसे तमाम जो है, अफ्रीका के तमाम देश इस प्रथम अवस्था में शामिल हैं, एशिया में बांग्लादेश है। और जो द्वितीय अवस्था है इसमें जन्म दर ऊँची है, मृत्यु दर में देख रहे हैं धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अब इसमें गैप बहुत है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच गैप बहुत है। तो इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रारंभ में जन्म दर उच्च रहता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, और धीरे धीरे जन्म दर में ह्रास आती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास आता है, मृत्यु दर देखो एकदम से नीचे तीव्र गिरता है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण। अब ये चूंकि इतना गैप आ गया, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर एकदम से गिर गया, तो यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, इसी को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हो। तो बहुत लोग लिख देंगे कि जनसंख्या, जब आतंकवादियों द्वारा बम लगाकर जनसंख्या को उड़ा दिया जाता है तो उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है कि जो द्वितीय अवस्था है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत, जो दूसरी अवस्था है जनसंख्या जनांकिकी संक्रमण की, इस अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब हम तीसरी अवस्था की बात करेंगे। अब इस अवस्था में कौन कौन से देश हैं पहले ये भी देख लेते हैं। इसमें पेरू है, पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, श्रीलंका है, केन्या है। अब भारत हमारा इस अवस्था की बिल्कुल आखिरी पायदान पर आ गया है, तृतीय अवस्था में यहाँ नहीं है, भारत तृतीय अवस्था में यहाँ आ गया है, यानी इसमें जन्म दर भी गिर रहा है और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। तो भारत की अवस्था तृतीय अवस्था के लास्ट, द्वितीय अवस्था के लास्ट में है। तृतीय अवस्था में देख सकते हो यहाँ पर, फिर ये प्रथम अवस्था वाली जो है कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन ये ऊँचे था ये नीचे है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे है और दोनों में बहुत कम अंतर है, जन्म दर भी बहुत कम है और मृत्यु दर भी बहुत कम है। और ऐसे देश कनाडा और जापान, अमेरिका जैसे पश्चिमी सभ्यता के देश इस अवस्था में आते हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो जन्म दर व मृत्यु दर दोनों निम्न है, यहाँ पर जनसंख्या इसीलिए स्थिर अवस्था में है, जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत गैप नहीं है इसलिए जनसंख्या स्थिर सी अवस्था है। फ्रांस जैसे देश जहाँ पर जनसंख्या नेगेटिव में जा रही है, वहाँ पर जो है वहाँ के पॉलिसी मेकर्स बहुत चिंतित हो रहे हैं। चाइना भी इसी अवस्था में पहुंच रहा था तो चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। चाइना के यहाँ पॉलिसी क्या थी? हम दो हमारे एक, तो उसने उसके यहाँ भी ऋणात्मक ग्रोथ देखने को मिल रही थी, फ्रांस जैसे देशों से उसने शिक्षा ली और अपनी पॉलिसी को बदल लिया। और इसमें नगरीकरण व उच्च शिक्षा का स्तर पाया जाता है, यहाँ पर नगरीकरण भी उच्च है, शिक्षा का स्तर भी उच्च है। शिक्षा का स्तर उच्च होगा तो तकनीकी ज्ञान में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये आप विकसित देशों में ये अवस्था देख सकते हो, तृतीय अवस्था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को सीखा। यहाँ प्रश्न आएगा, सीधे सीधे इसमें प्रश्न आता है, जनांकिकी संक्रमण यानी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थ्योरी से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको बना करके, इस डायग्राम को बना करके लिख सकते हैं। तो हमने जनसंख्या वृद्धि पढ़ ली, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ लिया। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, जनसंख्या के नियंत्रण के क्या उपाय हैं, तो इस पर सीधे सीधे प्रश्न आता है, बड़े प्रश्न आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सुझाइए। तो आप पहला उपाय तो गांधी जी के कुछ विचार थे, गांधी जी भी जो है भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के बहुत चिंतित रहा करते थे। तो उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि व्यक्तियों को आत्मसंयम पर बल देना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, इन्होंने गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण था, आप समझ सकते हो, सत्य और अहिंसा के पुजारी जैसे व्यक्ति तो आत्मसंयम की ही बात करेगा। तो आत्मसंयम के माध्यम से जो है हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मसंयम आप समझ ही सकते हो उसको क्या बताना।
परिवार नियोजन, भारत जैसे तमाम देशों ने, भारत विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने परिवार नियोजन को अपने यहाँ अपनाया था। तो भारत जैसे विश्व के तमाम देश परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करने पर ध्यान दे रहे हैं। परिवार नियोजन में क्या होता है कि जो है कोई देश हम दो हमारे दो, कोई देश हम दो हमारे एक के नियोजन पर फॉलो करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत, वैसे आप बहुत सारे कारण लिख सकते हो, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है और लिखते भी हैं लोग बाग, तो माल्थस का यहाँ पर सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण पर माल्थस ने क्या कहा था देखते हैं। ये है माल्थस महोदय, माल्थस महोदय को आप समझ लेना, माल्थस एक जो है समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, ज्यामितीय अनुपात में होती है। जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, अर्थात उसका गुणक होता चलता है। जैसे जनसंख्या 1 करोड़ है तो दुगना हो जाएगी 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएगी, 4 करोड़ से 8 करोड़, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो इस गति से जनसंख्या वृद्धि कर रही। हमने वृद्धि वाले प्रवृत्ति में भी देखा था। यहाँ पर आप नहीं समझ पाए हैं ट्रेंड्स को, वृद्धि की प्रवृत्ति को, तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और पीछे जा करके देखिए। जबकि इन्होंने बताया था जीवन निर्वाह के साधनों में, यानी संसाधनों में जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय अनुपात में होती है। अंकगणितीय अनुपात अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस अनुपात में होती है। तो इस तरीके से जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी और जो साधन है जिस पर व्यक्ति निर्भर करता है वो उसकी अपेक्षा बहुत धीमी गति से बढ़ेगी, तो दोनों के बीच गैप आएगा और गैप उत्पन्न होगा तो फिर वहाँ पर प्राकृतिक कैलेमिटीज़ आएंगी, प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी। इन्होंने क्या कहा था, माल्थस ने जो सुझाया था, उपाय बताया था, यदि जनसंख्या वृद्धि पर स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं किया गया, स्वैच्छिक नियंत्रण यानी गांधी जी वाले विचारधारा को लेकर के, तो प्राकृतिक प्रकोपों से मृत्यु दर में भारी वृद्धि होने से जनसंख्या स्वतः कम हो जाएगी। यानी प्राकृतिक प्रकोप आएंगे और जनसंख्या में जो है मृत्यु दर को बढ़ा करके इसको कम कर देंगे। देख सकते हैं हम यहाँ पर जनसंख्या दबाव, जनसंख्या तेज बढ़ेगी तो कृषि भूमि में कमी आएगी, भाई लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और घर कहाँ बनाएंगे, खेतों में बनाएंगे, खेतों में घर बनाएंगे तो खाद्यान्न कृषि फसल कृषि उपज कम हो जाएगी, खाद्यान्नों में कमी हो जाएगी तो लोगों को अनाज की कम प्राप्ति होगी, प्रोटीन और मिनरल्स कम मिलेंगे लोगों को, तो भूखमरी जैसी अकाल जैसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, इसके कारण मृत्यु दर में भारी वृद्धि होगी। तो ऐसा माल्थस ने सुझाया था, लेकिन इसका माल्थस के सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने जो है बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत आलोचना की थी, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर आपको माल्थस द्वारा सुझाए गए उपाय देखने को मिलते हैं। जैसा कि COVID-19 को आप देख सकते हो, ये भी प्राकृतिक प्रकोप ही था, बढ़ते जनसंख्या दबाव को रोकने के लिए प्रकृति लेकर आती है। चाहे वह जो है अवलांच की घटना हो उत्तराखंड की, चाहे वो किसी बड़ी महामारी की बात हो, या फिर रोड रेल एक्सीडेंट की बात हो, ये सब क्या हैं, ये सब ऐसे आपदाएं हैं, विपदाएं हैं जो जनसंख्या को स्वतः नियंत्रित करती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अब ये हमारा दूसरा अध्याय यहीं ख़त्म होता है। तीसरा अध्याय जो कि हमारा जनसंख्या संगठन पर है, पॉपुलेशन कंपोजिशन पर है, उसको लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।